डॉक्टर बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल साइंस, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर, क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट थर्ड, कोर्स एसएससीसी 311 मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं आपको सॉइल प्रोडक्टिविटी और सॉइल फर्टिलिटी में क्या अंतर है तथा सॉइल फर्टिलिटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इनके बारे में संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहला है सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता से अभिप्राय उसकी प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादन क्षमता से होता है, अर्थात किसी कृषि उत्पाद की प्रति क्विंटल उपज में उपज मृदा की उत्पादकता कहलाती है। अतः फसल उत्पादन की विनिर्देश परिस्थितियों में किसी मृदा की फसल पैदा करने की क्षमता मृदा उत्पादकता कहलाती है। ये कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड सॉइल प्रोडक्टिविटी। मृदा द्वारा फसलोत्पादन बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। इसमें मृदा कारक, फसल संबंधी कारक, जलवायु संबंधी कारक प्रमुख हैं। इस प्रकार मृदा उर्वरकता विभिन्न कारकों का समन्वित प्रतिफल होता है। निम्नलिखित सूत्र द्वारा मृदा उर्वरता उसके संबंधित कारकों के संबंध को व्यक्त किया जा सकता है। वाई इज इक्वल टू एफ, एफ ब्रैकेट में एस सी एल वी एच एन टी, जहां पर वाई मृदा की उत्पादकता उपज है, एफ कार्य से संबंधित है, एस मृदा संबंधी कारक है, मृदा की भौतिक दशाएं, वी वानस्पतिक मात्रा पादप एवं उसकी वृद्धि से संबंधित है, एच सस्य प्रबंध है और टी समय से संबंधित है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक विपदाएं मृदा जलवायु को प्रभावित करती हैं। मृदा की स्थिति, यातायात के साधन, कृषकों का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर, वस्तु की मांग आदि भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी, मृदा उर्वरता तथा उत्पादकता में अंतर क्या होता है। मृदा उर्वरता उत्पादकता में अंतर निम्नलिखित वाक्यांश से स्पष्ट होता है। ए प्रोडक्टिव सॉइल इज ऑलवेज फर्टाइल, बट ए फर्टाइल सॉइल मे आर मे नॉट ऑलवेज प्रोडक्टिव। इसका मतलब एक अच्छी उत्पादक मृदा सवय उर्वर होती है, लेकिन उर्वर मृदा सवय उत्पादक नहीं हो सकती। मृदा उर्वरता तथा उत्पादकता के अंतर निम्नलिखित है, मृदा उर्वरता और उत्पादकता। नंबर वन, मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता मृदा की उचित एवं अनुपात में पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता होती है, जबकि मृदा उत्पादकता प्रति इकाई क्षेत्र मृदा को उत्पादन करने की क्षमता होती है। दूसरा, मृदा उत्पादकता एक अवयव है। मृदा उत्पादकता उर्वरता के साथ साथ जलवायु, सस्य प्रबंध, मृदा के गुण, फसल आदि पर निर्भर करती है। मृदा उर्वरता मृदा की भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। मृदा की अवस्था के साथ साथ परिवहन, उपज की मांग, फसल व्यय आदि मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। मृदा उर्वरता को नापने की इकाई प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या प्रतिशत होती है, जबकि मृदा उत्पादकता का संबंध उपज प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर अथवा रुपयों में नापी जाती है। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उत्पादकता अनेक कारकों पर निर्भर करती है। फसलों की अधिकतम उत्पादन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। ये
तीन भागों में बांटे जाते हैं, जलवायु संबंधी, मृदा संबंधी कारक, फसल संबंधी कारक। पहला है जलवायु संबंधी कारक, वर्षा, इसका यात्रा तथा वितरण। दूसरा तापक्रम। तीसरा आर्द्रता, प्रकाश जिसमें विकिरण ऊर्जा आती है, फसलों को प्रभावित करती है। अक्षांतर अथवा देशांतर। छः वायु का वेग तथा वितरण। सात कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। मृदा संबंधी कारक जो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करती है, सॉयल टेक्सचर, सॉयल स्ट्रक्चर जिसको मृदा संरचना तथा मृदा कणाकार कहते हैं। सॉयल ऑर्गेनिक मैटर, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। चौथा धनायन विनिमय क्षमता, मृदा की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। पांचवा बेस सैचुरेशन, भस्म संतृप्तता। छठा मृदा की स्थलाकृति, टोपोग्राफी, मृदा का तापक्रम, सॉयल टेम्परेचर, सॉयल मॉइस्चर, सॉयल मैनेजमेंट तथा मृदा की गहराई इससे संबंधित हैं। तीसरा है फसल संबंधी कारक, इसमें पहला है फसल की किस्म तथा जात, दूसरा बुवाई का समय, तीसरा बीज की दर, चौथा बीज की गुणता, पांचवा वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन, छठा जल सुलभता, सातवां पादप पोषण, आठवां पादप संरक्षण, नौ खरपतवार नियंत्रण, दसवां सस्य संबंधी कारक।